स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंटिन्यू है, पार्ट शेप्स एंड डिजाइंस। ओके, इसी ने पेज नंबर 69 पे आपको देखे रखा है वीविंग पैटर्न, कि आपको एक पैटर्न देखे रखा है वीविंग पैटर्न, उसी से रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है पैटर्न से रिगार्डिंग, जिसका हमें आंसर देना है। सो नाउ यू ऑल आर ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 69, वीविंग पैटर्न्स। गोलू एंड बीनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट, कि गोलू एंड बीनू, ओके, ये अपनी आंटी के साथ में कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। दे सा मैनी रूक्स, वो वहाँ पे बहुत सारे रूक्स क्या होते हैं, जो कारपेट्स होते हैं, हम देखते हैं ना कि ये जो कारपेट्स वगैरह होते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर पैटर्न्स में, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं, तो वहाँ पे वो देखते हैं। ओके, जो आपको जस्ट नीचे पेज नंबर 69 पे शो भी किया हुआ है पैटर्न। ओके, यहाँ पे इस पिक्चर को देख के गोलू बोलता है, वाओ सो मेनी कलर्स, कि इनमें तो काफ़ी सारे कलर्स हैं। सो बीनू बोलती है, सो मैनी शेप्स, सर्कल, ट्राइंगल, सी द पैटर्न्स, कि वो बोलती है कि इस जो पैटर्न में बहुत सारी शेप्स भी हैं। कौन कौन सी शेप्स हैं, सर्कल, ट्राइंगल्स एंड अदर। अब इसी से रिकॉर्डिंग नीचे आपको 4 स्टार बने हुए, इट मीन्स यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं। अब इनके क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, कि आपको यहाँ पे बुक में जो ये पैटर्न दिखाया गया है इसमें आपको कितनी शेप्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप जितनी भी शेप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो वो शेप्स आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है। क्वेश्चन आपकी बुक में ना है तो आप नोटबुक में आंसर के पहले अपना क्वेश्चन बुक में से आप नोट करना। ओके, विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, मेरे अकॉर्डिंग जो पैटर्न्स मेरे को यहाँ पे इस पिक्चर में या इस पैटर्न में जो भी मेरे को यहाँ पे शेप्स हुई वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, सर्किल, स्क्वायर और हेक्सागन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, ये सारी जो 4 शेप्स हैं ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। अगर आपको कुछ और शेप्स भी आपको यहाँ पे पैटर्न में आपको शो होती है या आप उसको फाइंड कर पाते हैं तो आप नेक्स्ट कंटिन्यू नंबर करके आप वो भी यहाँ पे पैटर्न में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इस एनी शेप्स रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न विच वन, कि इस पैटर्न में ऐसे कोई शेप्स हैं जो रिपीट हो रही है, रिपीटिंग यानी बार बार वो कंटिन्यू आ रही है, मीन्स वो रिपीट हो रही है, तो ऐसे कोई पैटर्न्स में अगर कोई शेप्स हैं तो वो आपको बतानी है। सो इसका आंसर है यस, शेप्स आर रिपीटिंग, ये जो शेप्स हैं इसमें काफ़ी शेप्स रिपीट हो रही, कौन कौन सी, इन द फर्स्ट पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न में कौन सी, जो फर्स्ट पैटर्न आपको देख के रखा है ऊपर, सबसे आपको जो ये पैटर्न दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है उसमें ऊपर ही ऊपर लाइन में एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें ये दो शेप्स क्या हो रही है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, तो आप इन द फर्स्ट पैटर्न फिर आप ये दो शेप्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सिमिलर ही इसी क्वेश्चन में, इन द सेकेंड पैटर्न, सेकेंड पैटर्न में ये 2 शेप्स रिपीट हो रही है, तो आप यहाँ पे 2 शेप्स अपने नोटबुक पे आंसर के लिए ड्रॉ करेंगे। ओके, ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आर द शेप मेड ऑफ कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, कि आर द शेप्स मेड ऑफ, कि ये जो भी शेप्स बनी हुई है ये किस किस से बनी हुई है, कर्व लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट से, कि ओनली कर्व से बनी हुई है या ओनली स्ट्रेट से बनी हुई है या कर्व और स्ट्रेट दोनों से बनी हुई है। सो द शेप्स आर मेड ऑफ बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, तो आप इनमें बोथ कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन, तो आप इसमें यहाँ पे आंसर नोट करेंगे, या आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2, 3 आपको ऑप्शन देके रखे हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो गया तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को भी राइट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट योर क्लॉथ, योर मदर साड़ीज, सलवार, रग,
एंड मेट. कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न ड्रो दैट इन योर नोट. कि यस, हम जो हमारे घर पे कारपेट्स होते हैं, साड़ी होती है, बेडशीट्स होती है, इनमें हम काफ़ी ये पैटर्न्स हम देखते हैं. ये हमारे डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती है, साड़ी पे, कारपेट पे, बेडशीट में, कर्टन्स में, इनमें सब में क्या होते हैं, ये पैटर्न्स होते हैं बने हुए. सो ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3